हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोया बिरयानी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिले खिले तैयार होगी। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने 200 ग्राम बड़ी वाली सोयाबीन ली थी, इसे भिगो के 15 मिनट के लिए रख दिया था। 2 कटोरी बासमती राइस ली थी, इसे भिगो के 20 मिनट पहले रख दिया था, तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। गैस पे एक पतीला चढ़ाएंगे और उसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। गैस को हमें मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है। रिफाइंड हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 तेजपत्ता, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 कटा हुआ प्याज डाल के अच्छे से सौटे करेंगे। प्याज हमारा अच्छे से सौटे हो चुका है, अब हम इसमें सोयाबीन ऐड करेंगे। इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए इसका कलर लाइट गोल्डन हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। हमें टमाटर की प्यूरी 3 चम्मच ऐड करनी है। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 3 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और 1 चम्मच अदरक पाउडर। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम भीगे हुए चावल ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारे मसाले चावल में अच्छे से ऐड हो सके और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1.5 कटोरी पानी। हल्के हाथों से सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला चावलों में ऐड हो सके और इसे ढक के हमें 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं, तो आइए इसे खोलते हैं। गैस को हमें बंद कर देना है। अब हम इसमें 2 ड्रॉप फ्रूट कलर लेंगे, इसे घोल के चावलों में डालेंगे ताकि इसका कलर और भी खिल के आए। तो इसको सारा डाल देना है और इसे ढक के 2 मिनट के लिए रखना है। 2 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। तो आइए 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसे अच्छे से चलाएंगे। तो देखिए ये कितनी खिली खिली बनी है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आएगा। हमें अच्छे से मिक्स करनी है और इसमें धनिया ऐड करेंगे। तो हमारी सोया बिरयानी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करना ना भूलें।